हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को यूपीपीएससी एई की वैकेंसी निकली है जो कृषि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, उसकी तैयारी करा रहा हूं। और आज लेक्चर नंबर 4 है फार्म मशीनरी फार पावर के लिए, और लेक्चर थोड़ा लेट हो जा रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन क्या करूं, बहुत काम रहता है, व्यस्तता बहुत है। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर। तो आज का टॉपिक है ट्रैक्टर टाइप एंड यूटिलिटी। थोड़ा तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं, लेकिन कभी कभी दो चार क्वेश्चन से बन जाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो ट्रैक्टर बेसिकली है क्या? ट्रैक्टर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें जो है, जिसके द्वारा हम जो है फार्म पे अपने जुड़े हुए वर्क को आसानी से कर ले जाते हैं। ये सेल्फ प्रॉपर्ड पावर यूनिट होता है जिसके पास बिल और ट्रैक्स होते हैं, बिल या ट्रैक्स होते हैं। और इसके आप किसके लिए यूज करते हैं? ऑपरेटिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड मशीन इंक्लूडिंग ट्रेलर। हम इससे ट्रेलर की भी खिंचाई कर सकते हैं, करते हैं, और इससे जो है एम्प्लीमेंट के ट्रैक्शन में भी इसका यूज करते हैं। ट्रैक्टर में जो प्राइम मूवर होता है वो उसका इंजन होता है। अगर कोई आ जाए इसका प्राइम मूवर क्या होता है, तो दोस्तों ट्रैक्टर इंजन जो होता है इसका प्राइम मूवर होता है, ठीक है। और किसके थ्रू? पीटीओ के थ्रू, पीटीओ एंड बेल्ट पुली, और स्टेशनरी फार्म मशीनरी में जो होता है वो पीटीओ और बेल्ट पुली होता है। और प्राइम मूवर नॉर्मली ट्रैक्टर इंजन होता है, जो एक्टिव टूल के लिए, एक्टिव टूल के लिए ट्रैक्टर इंजन, ठीक है। और स्टेशनरी फार्म मशीनरी के लिए पीटीओ एंड बेल्ट पुली, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आ सकता है कि अगर ट्रैक्टर स्टेशनरी मोड में है तो कौन सा हमारा जो है प्राइम मूवर रहेगा, तो वो पीटीओ और बेल्ट रहेगा। और अगर मूविंग कंडीशन में है तो प्राइम मूवर कंडीशन में ट्रैक्टर इंजन रहेगा। पावर डायरेक्ट ट्रैक्टर इंजन से डायरेक्ट सप्लाई होती है। अब ट्रैक्टर का डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब कैसे हुआ, तो इसका हिस्ट्री थोड़ा देखना पड़ेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, फर्स्ट ट्रैक्टर डेवलपमेंट कब हुआ? द प्रेजेंट ट्रैक्टर इन द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ मशीन इन डिफरेंट स्टेज। हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर डेवलप्ड इज गिवन बिलो, मतलब जो भी हिस्ट्री है वो नीचे दी गई है, और इस डिफरेंट स्टेज में इसका डेवलपमेंट हुआ है। 1890 में द वर्ल्ड ट्रैक्टर अपीयर फर्स्ट ऑन रिकॉर्ड इन ए पेटेंट इश्यूड ऑन ए ट्रैक्टर और ट्रैक्शन इंजन इन्वेंटेड बाई जॉर्ज एच हैरिस। ये शिकागो के रहने वाले थे जिन्होंने 1890 में पहली बार ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। हालांकि प्राइमरी ट्रैक्टर था तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको सबसे पहले पेटेंट कराया था, रिकॉर्ड पेटेंट किया गया था। 1906 में सक्सेसफुल गैसोलीन ट्रैक्टर वाज इंट्रोड्यूस बाई चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट एंड चार्ल्स एच पार फॉर चार्ल्स सिटी लोवा। ये लोवा के रहने वाले थे। ये गैसोलीन बेस्ड इंजन इन्होंने सबसे पहले 1906 में पेटेंट करवाया। ये सब पेटेंट वाले ही हम इसके बारे में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि जो नॉन पेटेंट आइटम है उसको किताबों में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तो 1908 में फर्स्ट विम्पैग ट्रैक्टर टेल वर हेल्ड ये लिया गया। फिर फर्स्ट ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेशन वॉज हेल्ड इन ओमाहा, ये यूनाइटेड स्टेट्स के नेब्रास्का में है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन कब किया गया और पहला ट्रैक्टर कब आया, ये दो चीज़। और गैसोलीन वाला भी, ये चीज़, गैसोलीन वाला 1906 में आया, 1890 में आया पहला ट्रैक्टर, 1890 में पहला ट्रैक्टर, और 1906 में गैसोलीन वाला, और 1911 में फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। पीटीओ सबसे पहले कब आया? 1915 से 1919 के बीच में आया जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया। 1915 से 1919 का मतलब यह है कि 1915 में कॉन्सेप्ट आया और इसको डेवलप होते होते 1919 लग गए, तो इसमें करीब 4 साल का वक्त लगा जिसमें ये पीटीओ इंट्रोड्यूस किया गया। 1920 से 1924 ऑल पर्पज़ ट्रैक्टर जो है हमें डेवलप किया गया। अगर पूछा जाए कि ऑल पर्पज़ ट्रैक्टर हमें कब मिला, तो 1920 से 1924, ये भी 4 सालों के कई चरणों में डेवलप किए गए। हाल पर्पज़ मतलब कि उसमें पीटीओ भी दी गई, पावर शाफ्ट पुल्ली भी दी गई, और आगे हाइड्रोलिक पावर भी अलग से दी गई, और उसके बाद ट्रेलर भी दिया गया। जो भी हमें जितने भी ऑल पर्पज़ के लिए था वो सब 1924 में हमें डेवलप कर लिया गया। 1936 और 1937 में डीजल इंजन पहली बार आया ट्रैक्टर, और न्यूमेटिक टायर के साथ, ठीक है। 1950-1960 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल ट्रैक्टर ऑन
एक्सटेंसिव बेसिस थ्रू आउट द वर्ल्ड वॉज टेकन अप। ठीक है, अब 1960 से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वॉज स्टार्टेड इंडिया बाई फर्स्ट मैन्युफैक्चर में आइसर गुड अर्थ। ये अगर भारत की बात हो रही थी, ये ध्यान देने वाला है, क्योंकि भारत की बात है 1960 से 1961 के बीच में आइसर गुड अर्थ नामक एक कंपनी ने भारत में पहली बार ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी 1962 से 1970। ये क्वेश्चन भारत में मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में है, ये कतई नहीं है कि भारत में ट्रैक्टर कब आया। ठीक है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग रिस्पेक्ट में कब आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये इसके लिए। ठीक है, 1962 से 1970 में मैन्युफैक्चरिंग लाइक ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट मद्रास हिंदुस्तान, ट्रैक्टर एट बड़ौदा, स्कॉट ट्रैक्टर एट फरीदाबाद एंड इंटरनेशनल हार्वेस्टर इन बॉम्बे स्टार्टेड वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, और हम जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसी को पढ़ाते जाएंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ एच एम टी ट्रैक्टर वाज स्टार्टेड, जब किसी कंपनी के बारे में तो वो जनरली नहीं पूछेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर, बील ट्रैक्टर, क्रॉलर ट्रैक्टर, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर। बील ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रैक्टर में पहिए होते हैं तीन या चार, पहले तीन भी कुछ आए फिर चार में आए। और बेलारूस एक कंट्री है, वहाँ का ट्रैक्टर आता था, बेलारूस ही नाम उसका था ट्रैक्टर कंपनी का, वो ये उसी का मॉडल थ्री व्हील बेलारूस कंपनी का था। और इसके बाद ये फोर व्हील ड्राइव है, ये आई थिंक ये फोर्ड का ट्रैक्टर होगा, ऐसा ही डिजाइन लग रहा है। खैर आगे चलते हैं, क्रॉलर ट्रैक्टर, दिस टाइप इज आल्सो कॉल्ड ट्रैक टाइप। ये क्रॉलर और ट्रैक टाइप, जैसे कि टैंक वगैरह नहीं होते हैं उसमें, क्रॉलर नीचे लगे रहते हैं, ये इंडलेस चैन होती है और ट्रैक पे वो प्लेस आर न्यूमेटिक व्हील्स पे वो प्लेस करते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है, ये देखो चैन लगी है यहाँ पे, इसमें भी देखो ये चैन लगी है। और ये किसके ऊपर माउंटेड है, यहाँ छोटे छोटे इसे बील माउंट है न्यूमेटिक, उसके ऊपर ये है वो घूमते रहते हैं और ये आराम से क्रॉलर के जरिए मूव करते हैं। अब आता है पावर टिलर, पावर टिलर नहीं, हम तीसरे टाइप क्या पढ़े थे, वॉकिंग ट्रैक्टर, यही पावर टिलर है। पावर टिलर को वॉकिंग ट्रैक्टर भी कहा जाता है। तो ट्रैक्टर इज यूजली फिटेड विथ टू व्हील्स, द डायरेक्शन आर ट्रेबल, ये एंड इट्स कंट्रोल फॉर फील्ड ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द ऑपरेटर वॉकिंग बिहाइंड द ट्रैक्टर। इसमें जो ऑपरेटर होता है ट्रैक्टर के बिहाइंड जो है वॉक करता है, और जनरली कुछ में बैठने वाले भी जुगाड़ आ गए हैं, लेकिन तब भी इसको वॉकिंग टाइप का ही कहा जाता है। और आगे जो है देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बील ट्रैक्टर जो है दो तरह के होते हैं ये, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज बील ट्रैक्टर आर क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप। ठीक है, पहला जनरल पर्पज जो है जनरल पर्पज के लिए, फिर रो क्रॉप ट्रैक्टर, फिर स्पेशल पर्पज के लिए तीसरा। ठीक है, रो जनरल और स्पेशल। फिर जनरल पर्पज क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजर फॉर्म ऑपरेशन सच एज प्लॉइंग, सोइंग, मतलब जुताई, बीज डालना, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वर्क सच एज ट्रैक्टर, जिसे हम नॉर्मली हम यूज करते हैं जनरल पर्पज, जनरल में सामान्य जो हम लोग यूज करते हैं इसमें। और लो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, इंक्रीज इंजन पावर होता है, गुड एडहेशन और वाइड ट्रैक्टर, इसकी सब ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इस ट्रैक्टर के पास क्या क्या होते हैं, लो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, इंक्रीज इंजन पावर होता है, गुड एडहेशन एंड वाइड ट्रैक्टर, इसके ट्रैक्टर के पास ये अवेलेबल होता है। आगे चलते हैं, रोड ट्रैक्टर, रोड ट्रैक्टर में क्या होता है, जनरली इट इज used for row crop cultivation, such tractor is provided with replaceable driving wheel of different tread width, it has high ground clearance to save damage of crop, इसके पास as compared to general जो purpose tractor होते हैं इस ये आमतौर पर थोड़ा और ऊँचे होता है ताकि जो हमारी फसल इसको डैमेज ना करे, और रो टू रो जो है हमारी फसल में जो कर्षण क्रियाएं होती हैं उसको कंप्लीट करे। वाइड बील ट्रैक कैन बी एडजस्टेड टू सूट इंटर रोड डिस्टेंस, इसमें जो बील के ट्रैक है ना वो एडजस्टेबल भी होते हैं, ये जो भी हैं ये एडजस्ट कर लिए जाते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। अब देखो स्पेशल पर्पज, ये स्पेशल पर्पज क्या है कि ये लोकेशन और उस
कि जियोग्राफी और हिली एरिया या कहीं भी हो उसकी टोपोग्राफी, ये सब देख करके जो है हम लोग, या फिर फसल जो हमारी क्रॉप पैटर्न वगैरह देख करके बनाए जाते हैं, स्पेशल डिज़ाइन की जाती है क्योंकि स्पेशल एरिया के लिए होते हैं। तो ट्रैक्टर भी देखो, ये देखो बिंच यूनिट ट्रैक्टर, ड्राइव मल्टी ड्राइव ट्रैक्टर, ट्रैक्टर फॉर गोल्फ ग्राउंड, गोल्फ के कोर्स के लिए, गोल्फ कोर्स जो होते हैं उसको प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है। ये देखो ट्रैक्टर विद विंच यूनिट ट्रैक्टर, ये और ये वाला मल्टी ड्राइव ट्रैक्टर, और ये वाला ट्रैक्टर फॉर गोल्फ कोर्स जो होते हैं उसके गोल्फ ग्राउंड के लिए। अब देखिए, अभी देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ए ट्रैक्टर। सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे करते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर, अब ये देखेंगे। इसमें फॉलोइंग फैक्टर जो है ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, लैंड होल्डिंग हमें कितनी हमारे पास जरूरत। अंडर ए सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न इट इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड टू कंसीडर 1 HP फॉर एवरी 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। जैसे कि 1 HP 2 हेक्टेयर के लिए हम कंसीडर करते हैं। इन अदर वर्ड 1 ट्रैक्टर पर भी, मतलब जो होता है 1 ट्रैक्टर 20 to 25 HP सुइटेबल फॉर 40 हेक्टेयर फार्म के लिए 20 to 25 हेक्टेयर का खेत के लिए परफेक्ट होता है। 40 हेक्टेयर खेत के लिए जो है 20 to 25 HP का ट्रैक्टर परफेक्ट होता है, हमारे लिए वो सुइटेबल होता है। तो एवरेज 1 HP जो है 2 हेक्टेयर के लिए जो है सुइटेबल होता है। ध्यान देने वाली बात, 1 HP का ट्रैक्टर तो आता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एक एवरेज नॉर्मली रिकमेंडेड जो किया गया है। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या, ये लैंड होल्डिंग के आधार पे हो गया। फिर अब आ सकता है कि जनरली जो एक रिकमेंडेशन है कि 1 HP के ट्रैक्टर जो होता है वो कितने हेक्टेयर, 1 HP पावर ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर आता ही नहीं है, 1 HP पावर जो ट्रैक्टर की पावर होती है वो कितने हेक्टेयर खेत के लिए कंसीडर की जाती है, तो 2 हेक्टेयर के लिए। जैसे कि 20 HP है तो 40 HP के राउंड रहेगा, 30 HP रहेगा तो 60 के राउंड रहेगा, लेकिन ये सब बैरीज करते हैं, 30 एग्जैक्ट नहीं, 30 से 35 वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। फिर क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पे जनरली 1.5 हेक्टेयर जो होता है पर HP रिकमेंडेड किया जाता है क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पे। वो लैंड होल्डिंग था एक क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पे। वेयर एडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी आर अवेलेबल एंड मोर देन 1 क्रॉप इज टेकन, एक से अधिक क्रॉप जब ली जाती है और एडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी और वहाँ पे हों, ठीक है। सो 30 to 35 HP ट्रैक्टर सुटेबल फॉर 40 हेक्टेयर लैंड, ठीक है। यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न को देखते हुए लैंड होल्डिंग के मुकाबले जो है ज़्यादा है, लेकिन जो लैंड होल्डिंग थी ये वाला, ये हम देख रहे हैं इसको, ये सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न के लिए है और ये मोर देन 1 क्रॉप के लिए है, इसलिए 35 to 40 HP की ज़रूरत हो रही 40 हेक्टेयर खेत के लिए। अब सॉयल कंडीशन के आधार पे ए ट्रैक्टर विद लेस व्हील बेस, ए ट्रैक्टर विद लेस व्हील बेस हायर ग्राउंड क्लियरेंस एंड लो ओवरऑल वेट मे वर्क सक्सेसफुली लाइटर सॉयल बट सॉयल बाई विल नॉट बी एबल टू गिव सफिशियंट डेप्थ इन ब्लैक सॉयल। लेकिन अब देखो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ये मतलब क्या हुआ, एक ट्रैक्टर जो होता है जिसका बिल बेस होता है कम हो, ग्राउंड क्लियरेंस हाई हो, उसका वेट लो हो, ओवरऑल वेट कम हो एज कम्पेयर टू अदर ट्रैक्टर, वो लाइटर सॉयल के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा, ले और उसको ख़रीदना चाहिए सॉयल, ठीक है। और ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये बाई नहीं है, इसको बट पढ़िएगा, ठीक है, टाइपराइटर ने गलती की है, बाई नहीं बट है। विल नॉट बी एबल टू गिव सफिशियंट, लेकिन एक ब्लैक कॉटन सॉयल, लेकिन यही सेम ट्रैक्टर जो है उतने ही खेत के लिए, काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए की जाती है उसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो सॉयल कंडीशन भी मैटर करता है कि आप किस ज़मीन में खेती कर रहे हो, ठीक है। अगला देखते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर वेरी हार्ड जोन एंड डेजर्ट एरिया एयर कूल्ड इंजन आर प्रिफर्ड। अगर वेरी हार्ड जैसे डेजर्ट, जैसे राजस्थान साइड है या फिर गुजरात का नॉर्थ गुजरात हुआ, तो ये बहुत बहुत गर्म जगह है और डेजर्ट है, तो वहाँ पे जो ट्रैक्टर होंगे उनके लिए वाटर कूल्ड इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहिए उसके लिए एयर कूल्ड इंजन जो है प्रिफर किए जाते हैं वाटर कूल्ड इंजन की जगह। सिमिलरली फॉर हाई अल्टीट्यूड एयर कूल्ड इंजन आर प्रिफर्ड,
ठीक है, जहाँ पे हाई ऊंचाई पे खेती की जाए, अल्टीट्यूड हाई हो, वहाँ भी एयर कोल्ड इंजन जो है लिए जाते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों, वाटर कोल्ड इंजन आर लाइबल टू बी फ्रोजन एट हाई अल्टीट्यूड। जो हमारा पानी होगा या जो भी लिक्विड होगा जो उसे ठंडा करेगा, वो मे बी फ्रोजन हो सकता है एट द हाई अल्टीट्यूड, जम सकता है। रिपेयर फैसिलिटी के आधार पर इट शुड बी इंश्योर दैट द ट्रैक्टर टू बी परचेज हैज ए डीलर एट नियर बाई प्लेस, जहाँ जो ट्रैक्टर आप खरीद रहे हैं उसके डीलर और उसके कस्टमर सर्विस जो है आपके एरिया में अवेलेबल हो। नहीं तो पता चले इसी ट्रैक्टर आप ले लिए और वो आप वहाँ पे रिपेयर फैसिलिटी ही नहीं है, वो बिगड़ गया तो आप कहाँ जाएंगे। हो सकता है उस ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी अलग हो, उसके पार्ट पुर्जे वहाँ ना मिले, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और तो इसलिए रिपेयर फैसिलिटीज में ध्यान देने होगा कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे कस्टमर सर्विस हो, उसके रिपेयरिंग हाउस हो, उसके परफेक्ट जो मेंटेनेंस इंजीनियर या जो भी हो, मैकेनिक्स वगैरह अवेलेबल हो विथ टेक्निकल स्किल, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं टू द फार्मर वो भी ट्रेनिंग सेंटर भी अवेलेबल हो। रनिंग कास्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। ट्रैक्टर विद लेस स्पेसिफिक फ्यूल कंजेक्शन शुड बी प्रेफर्ड ओवर अदर सो दैट द रनिंग कॉस्ट मे बी लेस। ये इंडिया में ज़्यादा वैसे भी देखा जाता है, इसकी रनिंग कॉस्ट क्या हम ले रहे हैं, क्या एवरेज दे रहा है, पीटीओ के दौरान कितना तेल खा रहा है, आमतौर पे जब टिलेज वर्क कर रहे हैं तो कितना हमारा फ्यूल खा रहा है वगैरह, ऐसा हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। और इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें रनिंग कॉस्ट हमारे इकोनॉमिकली होना चाहिए, अदरवाइज जब पता चले कि छोटा खेत है और हम पावरफुल ट्रैक्टर ले लीजिए जो ज़्यादा तेल खा रहा है, तो जितने का हमारा प्रोडक्शन नहीं है उससे ज़्यादा हम कहीं ज़्यादा तेल या अन्य प्राइमरी कास्ट में लगा दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आगे देखते हैं इनिशियल कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू। ये तो भाई देखते ही हैं कि कौन सा ट्रैक्टर का रीसेल वैल्यू है, अभी मैसी ले ले रहे हैं या फिर महिंद्रा ले ले रहे हैं या फिर सोनालिका जिनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में, या फिर जॉन डियर। इनिशियल कॉस्ट कम पैसा लगे और सेकेंड हैंड जब बेचे तो हमको ज़्यादा पैसा मिले, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में तो ये दो चीज़ ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखी जाती है, रनिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट। ये फार्मर ही तो देखता ही है, तो ये तो अपने को ध्यान, घर में भी खरीदते होंगे ये चीज़ ध्यान देते हो, कम पैसा लगे, रीसेल वैल्यू हाई हो और रनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो, सॉरी रनिंग कॉस्ट कम हो ज़्यादा ना हो। आगे देते हैं टेस्ट रिपोर्ट, ये तो खत्म हुआ, अब आगे टेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे अपन लोग। टेस्ट रिपोर्ट ऑफ ट्रैक्टर रिलीज फ्रॉम फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेक्शन स्टेशन शुड बी कंसल्ट फॉर गाइडेंस। ये बुधनी में है, ये सेंटर है ट्रैक्टर टेस्टिंग वाला, ये रिपोर्ट वहीं से जारी होती है। अब आगे पढ़ते हैं बील ट्रैक्टर के कंपोनेंट, बील ट्रैक्टर के कौन कौन से, ये हालांकि हम ये लोग कुछ तो आईसी इंजन वगैरह पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम फिर से दोबारा एक बार ये सब कंपोनेंट पढ़ेंगे। आईसी इंजन, क्लच, ट्रांसमिशन गियर, डिफरेंशियल यूनिट, फाइनल ड्राइव, रियर व्हील, फ्रंट व्हील, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक कंट्रोल एंड हिज सिस्टम, ब्रेक, पीटीओ एंड ट्रैक्टर पुल्ली, ड्रॉ बार, कंट्रोल पैनल, और इतना 14, ठीक है 14, ये 15वां गलत डाल दिया, वो हेडिंग है, ठीक है। तो आईसी इंजन है, क्लच है, ट्रांसमिशन गियर है, डिफरेंशियल यूनिट है, फाइनल ड्राइव, रियर व्हील, फ्रंट व्हील, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक कंट्रोल, ब्रेक, पीटीओ, ट्रैक्टर पुली, ड्रॉबार एंड कंट्रोल पैनल, ठीक है 14 सेक्शंस हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे आईसी इंजन जो होता है, इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं इंटरनल, तो इंटरनल कंबशन ऑफ सुइटेबल हॉर्स पावर इज यूज एज प्राइम मूवर इन ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का प्राइम मूवर क्या होता है, इंजन होता है, अभी हम थोड़ा देर पहले ऊपर ही पढ़े हैं। इंजन रेंजिंग फ्रॉम 8 टू 200 एचपी, 8 से 200 एचपी के बीच में आता है इन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के रूप में। अगर को पूछ लिया जाए एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के रूप में 8 जो एच पावर की रेंज है या कहां से कहां तक वैरी करते हैं, तो 8 से 200 एचपी तक वैरी करते हैं। 8 एचपी में छोटा वाला ट्रैक्टर आता है जो हॉर्टिकल्चर वगैरह में यूज करते हैं। इन इंडिया फोर व्हील ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर फिटेड विद 25 से 80 एचपी तक फिटेड होते हैं, ये इन इंडिया फोर व्हील ट्रैक्टर, यहाँ थ्री व्हील वैसे जनरली चलता ही नहीं है, तो फोर व्हील ट्रैक्टर जो है वो जो है 25 से 80 एचपी के बीच में रेंज में जो है इंडिया में जनरली अप्लाई किए जाते हैं।
वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर आर फिटेड 8 से, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर ये जनरल टाइप ट्रैक्टर था ये वाला, वॉकिंग टाइप जो होता है 8 से 12, ठीक है, एचपी इंजन के साथ अवेलेबल होते हैं। अब देखो बस सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल तो नहीं आने वाला है, लंबे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल कतई नहीं आएंगे जो एक पेज दो पेज या तीन पेज में सॉल्यूशन लेके आते हों, तो छोटे ही न्यूमेरिकल आएंगे उसके बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं इसको। अब क्लच, क्लच इज़ ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट द क्लच इज ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द ट्रैक्टर इंजन फ्रॉम द ट्रांसमिशन गियर एंड ड्राइव व्हील। क्लच ट्रांसमिट पावर बाय मीन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ड्राइविंग मेंबर एंड ड्राइवर मेंबर। सिंपल सी बात है, अपन बाइक चलाते हैं, बाइक में अगर हम क्लच ले लिए तो इंजन फ्री हो जाता है, तो इंजन एक प्रकार से एक ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट करता है किसको इंजन को ट्रांसमिशन से, और किसके द्वारा करता है बाय विद द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल, बिटवीन किसमें ड्राइविंग मेंबर एंड ड्राइवर मेंबर, ड्राइविंग मतलब ऐसा जो चलाता हो और ड्राइवर जो चलाने वाला हो, ठीक है, ड्राइविंग जो चलता हो और चलाता हो, ड्राइवर और ड्राइविंग, ठीक है, दो मेंबर्स के बीच में ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है जिसके थ्रू हमारा काम करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब नेसेसिटी ऑफ क्लच इन ए ट्रैक्टर, जो क्लच होता है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी ज़रूरत इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, ठीक है। तो इंजन नीड क्रैंकिंग बाय एनी सुइटेबल डिवाइस फॉर इजी क्रैंकिंग द इंजन इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ट्रांसमिशन यूनिट बाय द क्लच आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन। आप ये देखो दो बार फिर से मिसप्रिंट हुआ, इंजन द क्लच इज इंगेज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू गियर, जो क्लच होता है इंगेज ट्रांसमिट पावर इंजन टू गियर बॉक्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेंज द गियर बॉक्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम इंजन पावर, अदरवाइज द गियर टीथ विल बी डैमेज एंड इंगेज ऑफ गियर विल बी डिफिकल्ट, दिस वर्क इज डन बाई क्लच। आप देखो क्लच, क्लच का काम क्या है इसके बारे में फिर से हम एक बार जानेंगे, और उससे पहले एक टर्म आया क्रैंकिंग, आप लोग सोच रहे होंगे क्रैंकिंग क्या है, क्रैंकिंग एक ऐसा चीज़ है जैसे कि पहले तो जब ट्रैक्टर आते थे तो उसमें क्रैंक आता था, सरिया के आगे घुसेड़ देते थे, इसके बाद घुमाते थे, घुमाने के बाद क्या होता था एक एक्सटीरियर फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो है हम प्रोवाइड कराते हैं इंजन को, जो है पहले पावर प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे इंजन को फर्स्ट पावर प्रोवाइड हो जाती है, यानी पहली साइकिल कंप्लीट होती है, जैसे फोर स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं चारों पावर साइकिल एग्जास्ट टाइकिल या फिर इंटेक जो होता है जो उसमें चार्ज होता है हमारा सिलेंडर, और इसके बाद कंप्रेशन साइकिल जो भी हो वो एक साइकिल हमें पूरा करने के लिए हम उसको एक्सटीरियर फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ये और उसके लिए हम क्या करते हैं सड़िया घुसाड़ के घुमाते थे, तो ये क्रैंकिंग कहलाती थी। हालांकि अब मॉडर्न युग है, अब तो सिर्फ चाबी घुमा दिए तो सीधा जो है हमको सीधा पावर मिल जाती है और एक राउंड घूमता है और हमको पावर मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और ये भी क्रिया भी जो अब ये हुआ चाबी वाला ये भी एक प्रकार से क्रैंकिंग हुआ, फॉर इजी क्रैंकिंग इंजन इज डिसकनेक्टेड, और आसान इंजन को आसानी से स्टार्ट करने के लिए इंजन को ट्रांसमिशन से अलग करते हैं, अदरवाइज अगर ट्रांसमिशन और इंजन 24/7 अटैच रहेंगे तो क्रैंकिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और इंजन घूमेगा ही नहीं, या अगर घूम भी गया तो इतनी ज़्यादा पावर लगेगी कि हम शायद उसको प्रोवाइड कराने में उसके समर्थ ना हो, तो इसके लिए क्या होता है क्लच लेते हैं, तो इससे हमारा ट्रांसमिशन जो है अलग हो जाता है और क्रैंकिंग करने में आसानी हो, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लच का क्या होता है इजी क्रैंकिंग, ठीक है। दूसरा इन ऑर्डर टू चेंज द गियर, अब जाहिर सी बात बाइक भी चलाते हैं तो अपन क्या करते हैं गियर ले क्लच लेते हैं फिर गियर अप या डाउन जो भी करते हैं, और अगर हम बगैर क्लच लिए गियर अप डाउन या न्यूट्रल या जो भी कर रहे हैं अगर इसे हम करते हैं ना तो हमारे जो गियर के ग्रुप्स उसके जो थ्रेड हैं हमारे गियर के वो सब डैमेज हो सकते हैं टूट सकते हैं, हमारा गियर वाक्सी कुछ ही दिनों में भंगार में बिकने लायक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब हम रोक पाते हैं, हम अपने ट्रांसमिशन को अलग करके रोक पाते हैं किसकी वजह से सिर्फ क्लच की वजह से,
ठीक है। अब अगला तीसरा, जब ट्रैक्टर हमारा इन द स्टेशनरी पावर सप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल पीटीओ या पुली ट्रांसमिशन को, तो उसको भी चालू करना है या बंद करना है, तो उसके लिए भी गियर शिफ्टिंग का सिस्टम होता है। तो ये जो गियर शिफ्टिंग है वो भी क्लच के थ्रू ही हो पाता है, पता चले नहीं तो पीटीओ घूमता जा रहा है, हम गलत क्लच जबा रहे हैं और हमारा गियर बॉक्स की तो लंका लग गई। तो भाई ये भी हम देखते हैं, तो तीन यूज इसके आमतौर पर हैं। अब अगला पढ़ते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर। अब अपन पढ़ेंगे ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर, ऐसा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो पावर ट्रांसमिशन इज ए स्पीड रिड्यूसिंग मैकेनिज्म इक्विप्ड विद सेवरल गियर। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत सिर्फ एक वजह से पड़ती है, जो हमारा इंजन होता है ये वर्किंग ऑन हाई स्पीड होता है, लेकिन जो हमारे टायर होते हैं, जो ट्रैक्टर के बड़े वाले टायर होते हैं, इनको कम स्पीड चाहिए विद हाई टॉर्क, क्योंकि ये सड़क पर तो चलते नहीं है, ये ऑफ रोड व्हीकल है। हाँ ये भी आ सकता है, ऑफ रोड और ऑन रोड, तो ट्रैक्टर एक ऑफ रोड व्हीकल है, ये अपन को ध्यान देने वाली बात है। ये एक बार आ चुका है आरपीएससी में कि ट्रैक्टर है एक प्रकार से कैसा व्हीकल, तो ये एक ऑफ रोड व्हीकल है, ठीक है। तो चूंकि ऑफ रोड व्हीकल है इसलिए इसको हाई टॉर्क विद लो स्पीड चाहिए, अदरवाइज ट्रैक्टर खेत में अगर 70-80 में भागने लगेगा तो जुताई तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमको एक ऐसा यूनिट चाहिए जो हमारा इंजन है उसकी हाई स्पीड को हाई टॉर्क विद लेस स्पीड कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड कराए और पावर को ट्रांसमिट कहाँ करे, रियर व्हील तक। तो पावर ट्रांसमिशन बस इसी का काम करता और कोई इसका मेन थ्योरी नहीं है, बस यही एक मेन थ्योरी है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्पीड रिड्यूस मैकेनिज्म है जो इक्विप्ड विद सेवरल गियर, जो विभिन्न प्रकार के गियर की वजह से काम करता है। इट मे कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ गियर एंड शाफ्ट, जो थ्रो हुई, देखो फिर से पढ़ते हैं इसको, इट मे बी कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ गियर एंड शाफ्ट थ्रो हिज द इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड टू द ट्रैक्टर व्हील्स। यही सेम चीज जो विभिन्न प्रकार के जो गियर और शाफ्ट होते हैं श्रेणीबद्ध होते हैं उसके थ्रू इंजन पावर को ट्रांसमिट करता है कहाँ तक, व्हील तक, वो भी रियर व्हील तक, ठीक है। द सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस डिवाइस, ये विभिन्न प्रकार के जो डिवाइस होते हैं उसका एक कॉन्सिस्ट है, विच काज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रैक्टर टू सूट फील्ड कंडीशन, ठीक है। और जैसा ही फील्ड कंडीशन हो उसके हिसाब से बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट जो है ट्रैक्टर का कराता है, एज वेल एज हमको जैसा फील्ड की कंडीशन जरूरत होती है, ठीक है। द कंप्लीट पथ ऑफ पावर, ये जो पावर सप्लाई हुई कहाँ से, इंजन से रियल व्हील तक, ठीक है। इसका जो पथ मतलब रास्ता, यानी किस गियर से आ रहा है, शाफ्ट की मदद से जो भी आ रहा है, एक पथ हुआ। तो द कंप्लीट पथ ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील इज कॉल्ड पावर ट्रेन। तो पावर ट्रेन क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ट्रेन बिल्कुल आता है और ये किताबों में भी दिया गया है, आप जो भी किताब पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइम में ये पावर ट्रेन कहलाता है क्या। तो ट्रांसमिशन के द्वारा जो पावर ये इंजन से रियर व्हील तक पावर जो ट्रांसफ़र होता है, वो चाहे ट्रांसमिशन के थ्रू या ट्रांसमिशन में लगे गियर शाफ्ट जिसकी भी मदद से उसके थ्रू जो पावर ट्रांसफ़र होता है, वो ये पूरा पथ जो है, एक जो है ये साइकिल तो नहीं कह सकते, पथ ही कह सकते हैं, पथ जो है ये पावर ट्रेन कहलाता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के, तो वो सिस्टम का अभी हम आपको बताए, सेम वही चीज़ है, बस इसको पॉइंट वाइज करके लिखा गया है। टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द इंजन टू द रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर, तो इंजन से ट्रैक्टर के व्हील तक जो है पावर ट्रांसफ़र करता है, और ये किस कैसे करता है, टॉर्क को इंक्रीज करता है और पावर स्पीड को रिड्यूस करके, ठीक है। टू मेक रिड्यूस स्पीड लेवल, ये देखो सेम थिंग, टू मेक स्पीड रिड्यूस, मेक रिड्यूस्ड स्पीड अवेलेबल टू रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर की रियर व्हील होती है उसके पास जो है रिड्यूस्ड स्पीड को भेजता है विद हाई टॉर्क, ठीक है। टू
अल्टर द रेशियो ऑफ व्हील स्पीड एंड इंजन स्पीड इन ऑर्डर टू सूट द फील्ड कंडीशन। ठीक है, वो फील्ड कंडीशन के हिसाब से व्हील की स्पीड और इंजन की स्पीड को मैनेज करता है। ठीक है, टू ट्रांसमिट पावर थ्रू राइट एंगल ड्राइव, टू ट्रांसमिट पावर थ्रू राइट एंगल ड्राइव, ये राइट एंगल ड्राइव के थ्रू पावर जो है ट्रांसमिट करता है, बिकॉज द क्रैंक शाफ्ट एंड रियर एक्सल आर नॉर्मली एट हाई एट राइट एंगल टू इच अदर। जो क्रैंक शाफ्ट और रियर एक्सल बिकॉज क्योंकि क्रैंक शाफ्ट और रियर एक्सल आर नॉर्मली एट राइट एंगल टू इच अदर, जो क्रैंक शाफ्ट और रियर एक्सल होता है ये सामान्यतया है जो है राइट एंगल एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ट्रांसमिट करता है क्या, ट्रांसमिट पावर थ्रू राइट एंगल ड्राइव, ये राइट एंगल ड्राइव के थ्रू पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं, द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसमें 6 कंपोनेंट होते हैं, पहला क्लच, दूसरा ट्रांसमिशन गियर, तीसरा डिफरेंशियल, चौथा फाइनल ड्राइव, पांचवा रियर एक्सल, छठवा रियर व्हील। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसके बारे में हम और भी बेहतरी से डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ अपन ट्रांसमिशन गियर ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लच के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन आज हम सिर्फ ट्रांसमिशन गियर तक ही रहेंगे। तो ट्रांसमिशन, चूंकि हम ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं इसलिए ट्रांसमिशन गियर, ए ट्रैक्टर रन एट हाई स्पीड, ए ट्रैक्टर रन एट हाई स्पीड बट द रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर रिक्वायर्ड पावर एट लो स्पीड एंड हाई टॉर्क। अभी अभी हमने आपको बताया जो ट्रैक्टर होता है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लो स्पीड विद हाई टॉर्क। ठीक है, सेम थिंग, तो दैट्स व्हाई इट बिकेम एसेंशियल टू रिड्यूस द इंजन स्पीड। ऐसा हमको डिवाइस या मैकेनिज्म चाहिए जो रिड्यूस करे क्या इंजन की स्पीड को और इंक्रीज क्या करे टॉर्क को, और अवेलेबल एट रियर व्हील, और जो रियर व्हील को हमें तक हमें पहुंचाए ऑफ द ट्रैक्टर। ठीक है, और ऐसा कैसे होता है, बिकॉज आप कैसे होता है, अब इसका एक फार्मूला दिया हुआ है, पावर, ठीक है, ठीक है, बराबर ये पावर रहेगा किलोवाट में, अगर हमें पावर जनरली निकालना है। ये फार्मूला अपन देखेंगे क्योंकि टाइपराइटर में फार्मूला नहीं आ रहा था, 2πNt 60 इंटू 1000। ठीक है, यही फार्मूला है, यहाँ पे टी टॉर्क है इन न्यूटन मीटर, यन स्पीड आरपीएम में है। अब ये देखो ये फार्मूला दिया गया है, इफ इंजन पावर इज कांस्टेंट इट इज ऑब्वियस दैट फॉर हायर टॉर्क एट व्हील लो स्पीड एट इज रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्सा, सो गियर बॉक्स इज फिटेड बिटवीन इंजन एंड रियर व्हील फॉर वेरिएबल स्पीड एंड टॉर्क। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि अगर इफ मतलब अगर इंजन की पावर जो है कांस्टेंट है तो इट इज ऑब्वियस दैट ये फॉर हायर टॉर्क एट व्हील, तो जो व्हील है उसको उस पर हायर टॉर्क के लिए ऑब्वियस होगा क्योंकि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, इसलिए हमें किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए किसी चीज़ को घटाना होगा। तो अगर हमें टॉर्क जो है उसको बढ़ाना है तो स्पीड हमें घटाना होगा, किसी जगह कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई टॉर्क विद लो स्पीड करना है, या फिर इसका वाइस वर्सा कि हमें टॉर्क कम कर देना स्पीड बढ़ा लेना है। तो इसको जो मैनेज करता है सो गियर बॉक्स, इसको मैनेज करने के लिए गियर बॉक्स फिटेड होता है कहाँ, इंजन एंड बिटवीन द इंजन और रियर व्हील के बीच में और फॉर वेरिएबल स्पीड एंड टॉर्क, दो स्पीड और टॉर्क को वेरिएबल करता है ना, उसको मैनेज करता रहता कि अगर हमारा स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क कम होगा, अगर टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा तो अपन को जैसे हमको ऑपरेट करना है वैसे हम ट्रैक्टर ऑपरेट कर लेंगे, ये गियर बॉक्स होता है, उस हिसाब से हम
वही वेरिएबल करता है, कहाँ लगता है, इंजन और रियल व्हील के जो व्हील होता है उसके बीच में लगा रहता है, और हमेशा स्पीड और टॉर्क जो है एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। तो लेक्चर दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया है, तो आपसे ये अनुरोध है कि आप जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, और बेल आइकॉन दबाना कतई ना भूलें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।